वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया मनुआ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है माय वाइफ इज अ लेजेंडरी घोस्ट। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक काफी ज्यादा डरावना जंगल होता है जिसमें से काफी ज्यादा डरावनी आवाज आ रही होती है और वहीं पर एक कब्र बनी होती है किसी की जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और उस कब्र के बारे में बताया जाता है कि 23वें 7वें महीने के दिन पर और उस महिला की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बलि दी गई थी, जिसकी वजह से 21 अगस्त मंडे को वहाँ लोगों को वेडिंग ड्रेस में फीमेल घोस्ट दिखाई दी जाने लगी। फिर हमें वेडिंग ड्रेस में फीमेल घोस्ट दिखाई दी जाती है जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है और उसका चेहरा दिखाई दिया जाता है जो बहुत ज्यादा डरावना होता है। अरे अभी तो मैं तारीफ के पुल बांध दिए थे यार। और यह सब हमें एमसी का हीरो बता रहा होता है। एमसी का हीरो कहता है, ऐसा कहा जाता है यह दिन राजकुमारी की मृत्यु की सालगिरह है और यह वह दिन भी है जब उसकी यान ऊर्जा सबसे मजबूत होती है जिसके कारण से उसकी आत्मा वापस आ जाती है। और उसी दिन मैं अपनी प्रिंसेस की कब्र पर रात बिताऊंगा और साथ ही मैं ऐतिहासिक ब्रॉडकास्ट करूंगा अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। फिर कोई व्यक्ति अपने हाथ में फोन लेकर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और यह मोटा आदमी अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं चीफ एल्डर गोंग कैंग हूँ। फिर मोटा आदमी एमसी के हीरो से कहता है, मिस्टर फेंग, हमने प्रमोशनल वीडियो रिलीज कर दिया है और अब एक दिन बीत चुका है और इस वीडियो की 1 मिलियन से ज्यादा व्यूवर की संख्या पार हो चुकी है जिसे हम इट कह सकते हैं। फिर मिस्टर फेंग खड़ा होकर कहता है, तुमने अच्छा काम किया और डायरेक्ट फेंग आज की लाइव ब्रॉडकास्ट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मुझे आशा है कि तुम आगे भी अच्छा काम करोगे। फिर डायरेक्ट फेंग कहता है, हाँ मिस्टर निंग, आप बहुत ज्यादा सीरियस बात कह रहे हैं। यह कहकर मन में कहता है, अगर मेरे पास ज्यादा बिजनेस होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता तुम्हारे साथ लाइव ब्रॉड कास्टिंग करने के लिए। फिर पहले एम्प्लॉय कहता है, ये बॉस ने कहाँ से जॉब खोजी है, इतनी कम बजट में लाइव ब्रॉड कास्टिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है, कौन जानता है, मुझे मत बताओ, यहाँ पे इतनी ज्यादा वैसे भी भीड़ है। फिर पहला एम्प्लॉय चिल्ला के आता है, कहता है, डायरेक्टर बैंग, अभिनेत्री ने कहा कि ये जगह बहुत ज्यादा घटिया है इसलिए उसे कुछ आने में समय लगेगा। डायरेक्टर बैंग कहता है, ये तो सिर्फ ग्रुप परफॉर्मेंस है, उसे आने में इतनी देर लगेगी। फिर उससे जल्दी से कहो कि जल्दी यहाँ पर आए, लाइव ब्रॉडकास्टिंग ना छोड़े। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है, ठीक है मैं अभी जल्दी से कहता हूँ। फिर डायरेक्ट बैंक एम्प्लॉय पर चिल्ला कर कहता है, क्या हमें 11:30 बजे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, जल्दी से करो। फिर मिस्टर फेंग ने कहता, मुझे प्रोफेशनल टीम की जरूरत थी। फिर मन में कहता है, हे मैंने कुछ डॉलर खर्च किए और मुझे इतना अच्छा डायरेक्टर की टीम मिल गई और तुम जितनी ज्यादा लंबी ब्रॉडकास्टिंग करते हो लाइव उतना ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा। फिर मिस्टर मैंगनिंग डायरेक्ट बैंक से कहते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट करने से पहले मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। डायरेक्ट बैंक कहता है, कोई समस्या नहीं है, आप आराम कर सकते हैं, हमारे एजेंट आपको सेटिस्फाई कर देगा। और ऐसा लग रहा होता है कि डायरेक्टर की टीम को फीमेल घोस्ट की कब दूर से ही देख रही हो। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है, डायरेक्टर बैंक, मैंने उस अभिनेत्री को ज्यादा फोन लगाया लेकिन फोन कभी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। फिर डायरेक्टर बैंक गुस्से से कहता है, उसे जल्दी फोन लगाओ, अगर वह नहीं आती तो मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर कंप्लेंट करूंगा। ओ ठीक है, वैसे भी देर हो गई, जल्दी से जाओ और वेडिंग ड्रेस तुम पहन लो। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है, लेकिन मैं तो ये लड़का हूँ। फिर मिस्टर मैंग गुस्से से लात मार कर कहते हैं कि जल्दी जाओ, ये तुम्हारे सास ससुर होंगे जो तुम्हें देखेंगे और अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़कर एक्टिंग करना। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहीं पर देखता हो कहता है, डायरेक्टर रुकिए। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय ऊपर देखकर कहता है, रुकिए वहां पर हो रही है एक्ट्रेस। और फिर वह एक्ट्रेस दिखाई दी जाती है लेकिन वह एकदम फीमेल घोस्ट की तरह दिख रही होती है, डरावनी सी माहौल, एकदम शांत माहौल। फिर बगल वाला एम्प्लॉय देखकर कहता है कि वह यहाँ पर कब आई है और अपने स्वयं के कपड़े भी लेकर आई है। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है, वह कपड़े जो हमने प्रिपेयर किए तो उससे भी ज्यादा महंगे दिख रहे हैं। फिर पीछे से डायरेक्ट बैंक की आवाज आती है, वहां पर खड़े मत रहो, एक्ट्रेस पहले से यहाँ पर आ गई है तो जल्दी से शूट करना स्टार्ट करो और मिस्टर फेंगनिंग सब तैयारी हो गई है तो आप शुरू कर सकते हैं। फिर मिस्टर फेंगनिंग अपनी टोपी घुमाकर स्टाइल से कहता है, चलो तो तुमने अच्छा काम किया तो स्टार्ट करते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग। फिर एम्प्लॉयर फेंगनिंग के ऊपर लाइट मारते और कैमरा स्टार्ट करते हैं। फिर फेंगनिंग लाइव ब्रॉडकास्टिंग में कहता है, हेलो व्यूअर्स, आज हम प्रिंसेस की कब्र की ओर जा रहे हैं, आज पता लगाएंगे कि वहां पर भूत होता है कि नहीं है प्रिंसेस का। और अब हम प्रिंसेस की कब्र की ओर पहुंच गए हैं जहां पर आपने सुना होगा कि कई सालों से यहां पर कब्र बनी हुई है और कुछ सालों से आपने सुना है कि यहां पर काफी ज्यादा घटनाएं बढ़ती रहती है और अब नॉर्मल चीजें होती रहती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहां पर पता लगाने आया हूं कि यहां पर भूत है कि नहीं है और यहां पर कितनी सच्चाई है इस कहानियों के ऊपर। तो यहीं पर बात करना बंद करते हैं और चलिए एक्सप्लोर करते हैं प्रिंसेस की कब्र को। फिर वह प्रिंसेस के मकबरे के पास जाता है और लाइव ब्रॉडकास्ट टीम में बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे होते हैं। फिर फेंगने मकबरे के पास बैठकर कहता है, इसकी शिकायतें काफी लंबे समय से है और वह 8 जुलाई को अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज करने के लिए बाहर आती है। फिर प्रिंसेस के मकबरे के ऊपर एक पत्थर गिरता है और फेंगनिंग डर जाता है। फिर दूसरे सीन में फेंगनिंग अंगूठा दिखा के इशारे से करता है, पता चलता है कि यह तो एक्टिंग की दुकान है। फिर फेंगनिंग ऊपर देखकर मन में कहता है, एक्ट्रेस स्क्रिप्ट के अनुसार काम करेगी और मुझे क्लाइमेक्स पहुंचने तक धक्का देना उसे, जिससे व्यूवर्स को अच्छा दृश्य मिल सके देखने के लिए। फिर एम्प्लॉय फर्स्ट डायरेक्टर के पीछे जाकर कहता है, डायरेक्टर डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर बैंक कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी क्रिटिकल मूवमेंट पर। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है, डायरेक्टर बैंक, ये देखिए हमारी ब्रॉडकास्टिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और यह मिलियन से पार हो चुकी है और यहाँ तक की टॉप 10 रैंकिंग में भी आ रही है। फिर डायरेक्टर बैंक मन में खुश होकर कहता है,
कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गिफ्ट में से 10% हमारा भी है। ओहो, अब तो हम अमीर हो गए। फिर मिस्टर डायरेक्टर बैंक अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा होकर कहता है, जल्दी से जाओ, क्या तुम्हें आज सैलरी नहीं मिली है? लाइव ब्रॉडकास्ट टीम में इंटरफेयर मत करो। फिर एम्प्लॉय कहता है, लेकिन फिर डायरेक्टर बैंक रेडियो मोबाइल से कहता, अटेंशन ऑल यूनिट्स, लगभग 12 बजने वाले हैं। मिस्टर फैंग ने एक्ट्रेस के पास जाइए और वह स्क्रिप्ट के अनुसार काम करेगी। फिर एम्प्लॉय मन में सोचकर कहता है, यहाँ पर 4-5 लोग है और वह इतने पास है तो उसे वॉकी टॉकी से बात करने की क्या जरूरत है। बाद में एम्प्लॉय ऊपर देखता है और कहता है, एक्ट्रेस अभी तक नीचे नहीं आई है ईयरफोन लेने के लिए। इतना कहने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लग जाती है। एम्प्लॉय मन में कहता है कि यह इतना मौसम खराब कैसे हो गया अचानक से, और वह कुछ देखकर चौंक जाता है और वह ऊपर देखकर कहता है, वह चली गई। डायरेक्टर बैंक एम्प्लॉय को गुस्से में आकर एक पंच मारता है और कहता है, हमने उसे कल स्क्रिप्ट भेजी थी, वह स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है और वह छिप गई है। मिस्टर फैंगनिंग, एक्ट्रेस रेडी है। एम्प्लॉय चिल्ला कहता है, मिस्टर फैंगनिंग तैयार हो जाइए। फिर मिस्टर फैंगनिंग हंसते हुए कहता है, इन तेज हवाओं ने मुझे डरा दिया है, मुझे वास्तव में शैतान और भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। मुझे तो अब भी आश्चर्यचकित है कि वहाँ पर पिछले प्रिंसेस का भूत होगा। फिर फैंगनिंग उस चट्टान के ऊपर चढ़ने लग जाता है और व्यूवर्स कमेंट मारने लगते हैं उसके ऊपर। फिर एम्प्लॉय डायरेक्टर बैंक से कहता है, डायरेक्टर बैंक मेरी बात सुनो। फिर डायरेक्टर बैंक गुस्से में आकर एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला कर कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो कितने बिजी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तो जल्दी से कहो क्या कह रहे हो। फिर एम्प्लॉय कहता है, हमने एक्ट्रेस से बात करने की कोशिश की थी, तब एक्ट्रेस ने कहा था कि वह सो गई इसलिए वह आ नहीं पाएगी। फिर डायरेक्टर डरते हुए कहता है, वह आ नहीं पाई तो फिर चट्टान पर कौन है? और मिस्टर फैंग ने ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। फिर फैंग ने ऊपर चढ़कर फीमेल घोस्ट एक्ट्रेस को देखता है, जो काफी ज्यादा डरावनी सी लग रही होती है दूर से देखने पर। और फिर फीमेल घोस्ट का चेहरा दिखाई दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है वही वेडिंग ड्रेस में। वाओ, अमेजिंग। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है, और अब फीमेल घोस्ट को देखकर सब लोग डर गए होते हैं और उसके ऊपर ही फोकस लाइट लगा रहे होते हैं। फिर मिस्टर फैंगनिंग कहता है, यह एक्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, मैंने उसे अभी तक नोटिस भी नहीं किया। फिर डायरेक्टर बैंक अपने एम्प्लॉय से कहता, अभी तक एक्टर आया नहीं है जिसे हमने अभी बुलाया था, और यह कौन है वहाँ पर? तो फिर एम्प्लॉय कहता है, मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तुम्हें लंबे समय से बताना चाहता था लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। फिर दूसरा एम्प्लॉय डायरेक्टर को आवाज लगाता है, डायरेक्टर यहाँ देखिए, कैमरे में देखिए, उस लड़की के पैर हवा में उड़ रहे हैं, देखिए गौर से, ध्यान से देखिए। फिर डायरेक्टर बैंक डरते हुए अपने एम्प्लॉय की गर्दन दबाते हुए कहता है, वह क्या वो भूत है क्या? फिर लाइव स्ट्रीम में दिखाई दिया जाता है कि वह फीमेल घोस्ट हवा में उड़ रही होती है, और व्यूवर्स के बहुत सारे कमेंट आ रहे होते कि वह तो असलियत में भूत नहीं है। फिर मिस्टर डायरेक्टर बैंक डरते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सच में हमारा भूत से सामना हुआ है? वैसे कहानियां तो यही कहती है कि यहाँ पर भूत सच में है, और शायद जो ये वेडिंग ड्रेस में इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स है, जो शायद फॉर्मर प्रिंसेस है। और इतना कहने के बाद डायरेक्टर बैंक और दूसरे एम्प्लॉय फर्स्ट एम्प्लॉय की ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है, यह सही नहीं है, घोस्ट कैमरा में कैसे कैप्चर हो सकते हैं, यह किस प्रकार की आत्मा है, क्या यह भूत है या एलियन है? फिर फीमेल घोस्ट हवा में उड़कर मिस्टर फैंगनिंग के पास आने लग जाती है। फिर मिस्टर फैंगनिंग डरते हुए कहता है, तुम कौन हो, मेरे पास मत आओ। दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, डायरेक्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है मुझे तो, और इस एक्ट्रेस लड़की के कपड़े और सफेद बालों को देखो, कितने सुंदर लग रहे, काफी अच्छी क्वालिटी की और काफी अच्छी अमेजिंग लग रही है। फिर मिस्टर फैंग ने स्टाइल से जब मार कर बैठकर मन में कहता है, ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने अपनी टीम के ऊपर काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो मुझे भी अपनी प्रोफेशनल दिखाना चाहिए। फिर अपने हाथ में टॉर्च लेकर कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और मैं यंग मास्टर हूँ, मेरा जन्म धूप में हुआ था और मैं बसंत ऋतु में रहता हूँ, और एक मामूली सा घोस्ट मेरे पास भी नहीं आ सकता है। फिर वह अपने लाइव स्ट्रीम में देखकर मुस्कुराने लग जाता है, और व्यूवर्स कहने लगते हैं, साले वो असलियत का भूत है, और इन तीनों की आंखें फटी फटी रह जाती है। और डायरेक्टर बैंक कहता है, पागल हो गया है जो भूत को चढ़ा रहा है। लाइव स्ट्रीम में फीमेल घोस्ट को दिखाया जाता है, और व्यूवर्स कमेंट मार के कहते हो, वो आई असलियत का भूत, उसके नाखून देख कितने लंबे हो रहे हैं धीमे धीमे, और वो भी लाल कलर के नाखून बढ़ते जा रहे हैं। फिर डायरेक्टर बैंग वॉकी टॉकीज पे चिल्ला कर कहते हैं, मिस्टर फैंग ने कृपया जल्दी से लाइव ब्रॉडकास्टिंग को यहीं पर रोके और धीमे धीमे स्लोली आए, हमें डर है कि हमने एक भूत को हिट कर दिया है। फिर एम्प्लॉय कहता है, डायरेक्टर बैंग यह अजीब बात है, मेरे सामने से अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गायब हो गए हैं और हमारे सिग्नल हमारी टीम के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। डायरेक्टर बैंक भूल जाइए और यहाँ से हमें चलना चाहिए। फिर फीमेल घोस्ट अपनी वाइंड पावर से उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से पूरी टीम डर जाती है और वह तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वह तीनों अपनी जान की भीख मांगने लगती है और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। फिर फीमेल घोस्ट मिस्टर फैंगनिंग की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उड़ा लेती है, और यहीं पर फीमेल घोस्ट काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है बैटिंग ड्रेस में। फिर मिस्टर फैंगनिंग फीमेल घोस्ट को देखने लग जाता है, क्योंकि फीमेल घोस्ट का सर का कपड़ा हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से फीमेल
फीमेल घोस्ट का चेहरा दिखाई देने लग जाता है और इतना ज्यादा सुंदर चेहरा देखकर मिस्टर फैंगनिंग वहीं पर जम जाता है और शर्माने लग जाता है और कहता है यह बहुत ज्यादा सुंदर है। और व्यूवर्स भी फीमेल घोस्ट का चेहरा देखते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं कि कितनी ज्यादा सुंदर है। यह पहली फीमेल घोस्ट है जो स्टार बन गई है रातों रात। और फीमेल घोस्ट अभी भी मिस्टर फैंगनिंग की गर्दन दबा रही होती है और मिस्टर फैंगनिंग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए। और मन में कहता है यह क्या हो रहा है, यह स्क्रिप्ट से अलग काम क्यों कर रही है और वह एक लड़की है, वह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। लाइव स्ट्रीम में व्यूवर्स कमेंट मारकर कहते हैं मिस्टर फैंगनिंग यह क्या हो रहा है, क्या ये असली की भूत है, आपको वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, हम आपको अगले नेक्स्ट स्ट्रीम में देखना चाहते हैं। और मिस्टर फैंगनिंग मन में कहता है यह क्या हो रहा है, क्या वह मुझे मानना चाहती है, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ। और वह तीनों उसके मकबरे के सामने भीख मांग रहे होते हैं, उसे छोड़ दीजिए, उसकी जान बख्श दीजिए, अगर ऐसा चलता रहे तो वह मर जाएगा। राइट अभियंक, आपको अभी कुछ सोचना होगा, मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं इन हालत में क्या सोच सकता हूँ, तुम देख सकते हो कि वह एक भूत है। फिर मिस्टर फैंगनिंग सांस न लेने के कारण धीमे धीमे बेहोश होने लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि वह पानी में डूबता जा रहा है धीमे धीमे गहराई में। और उस गहराई में एक रोशनी से दिखने लग जाती है जो फैंगनिंग के शरीर से आर पार हो जाती है। और जैसे ही वह अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो कहता है क्या तुम जानती हो कि मेरे लिए लाइव ब्रॉडकास्टिंग कितना महत्वपूर्ण है। और फिर मन में कहता है मैं चाहता था कि कम से कम तुम मुझे नॉर्मल परफॉर्मेंस तो दो। फिर उसका ब्रेसलेट अचानक से ग्लो करने लग जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और उसका हाथ छूट जाता है और वह जोर से खांसने लग जाता है। और वह दोबारा से मन में कहता है उसने मुझे लगभग मार ही दिया होता है। गुस्से से उसकी तरफ देखने लग जाता है और कहता है ये किस तरीके की एक्टिंग का काम है। फिर कहता है मुझे अभी शांत होना चाहिए, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है, यह फेल हो जाएगी अगर मैंने शांति से काम नहीं किया तो। फिर वह फीमेल घोस्ट कहता है अनएक्सपेक्टेड रूप से वास्तव में प्रिंस फीमेल ग्रेप की घोस्ट अभी भी हंटिंग कर रही है। प्रिंस सच कहूं तो मैं जीवन भर अकेला रहा हूं, अगर मैं यहां पर मरने जा रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। और ऑडियंस फ्रेंड्स, यदि मैं यहां पर मरने जा रहा हूं तो मैं पियोनो फ्लावर्स के नीचे मरूंगा जिसकी वजह से मैं एक भूत भी बनूंगा। तो दोस्तों आज मैं काफी कठिन लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। फिर वह अपने एक पैर आगे बढ़ाता है और प्रिंसेस फीमेल घोस्ट के सामने स्टाइल से बैठकर कहता है प्रिंसेस कृपया उस 1000 वर्ष को छोड़ दे जो आपने इंतजार किया है। फिर वह अपनी टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है और एक डायमंड रिंग की अंगूठी निकालता है और कहता है प्रिंसेस कृपया मुझसे शादी कर लीजिए। और यह सुनते ही उन तीनों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से वे कुछ सोच नहीं पाते और कहते हैं कैरी ऑन, अपना काम जारी रखे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इन तीनों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। और अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फिर मिस्टर फैंगनिंग ने लाइव स्ट्रीम में फीमेल घोस्ट को प्रपोज मारा होता है शादी करने के लिए और फीमेल घोस्ट को सोच नहीं पाती है कि ये क्या कर रहा है। फिर व्यूवर्स कमेंट मारते हैं कि बेटे मर जाएगा, उसे प्रपोज मत मार। फिर दूसरा व्यक्ति कमेंट मारकर कहता है दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये कल का सूर्य देख पाएगा। फिर फैंगनिंग मन में कहता है इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में फेमस सोने के लिए इस तरीके का प्रयोग करें। फिर फीमेल घोस्ट भोली सी सूरत बनाकर कहती है क्या तुमसे शादी करूं मैं। फिर वह फैंगनिंग का बहुत तेजी से हाथ पकड़ लेती है और उनके चारों तरफ बहुत तेजी से हवा चलने लग जाती है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है इस एक्ट्रेस को क्या हुआ, वह स्क्रिप्ट के अनुसार एक्ट क्यों नहीं कर रही है और स्क्रिप्ट के अनुसार उसे मेरा प्रपोज रिजेक्ट कर देना चाहिए और तुरंत ही भाग जाना चाहिए उसे। फिर फीमेल घोस्ट फैंगनिंग को खींच कर अपने बहुत ज्यादा करीब ले आती है और उसे घूर से देखने लग जाती है। फिर फीमेल घोस्ट अंगूठी को देखकर कहती है अब तुम मेरे पास क्यों आए हैं मुझसे शादी करने के लिए। और मिस्टर फैंगनिंग यह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे ही देखने लग जाता है। फिर फीमेल घोस्ट रोते हुए कहती है क्यों तुमने मुझे इतना लंबा क्यों इंतजार करवाया। और यह कहकर फीमेल घोस्ट अपनी एनर्जी बहुत सारी रिलीज करने लग जाती है जिसके कारण फैंगनिंग की हालत खराब होने लग जाती है। फिर फैंगनिंग अपने कानों पे हाथ रखकर कहता है क्या हुआ, क्या यह तूफान और विस्फोट मैकेनिज्म के द्वारा वास्तव में हो सकता है। फिर फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाकर कहती है तुम मुझे यहाँ पर अकेला क्यों छोड़ गए थे, क्यों। इतना कहने के बाद बिजली गिरने लग जाती है और तूफान बहुत तेजी से आ जाता है जिसके कारण एम्प्लॉय दूर फेंक जाते हैं और डाइट बैंक भी एक दूर पेड़ से टकरा जाते हैं। फिर फीमेल घोस्ट भी अपनी असली फॉर्म में आ जाती है जो शैतान का फॉर्म हो जाता है और ऐसे रूप देखकर फैंगनिंग बहुत तेजी से भागने लगता है। और इस तरीके से भागते हुए देखकर फीमेल घोस्ट हंसने लग जाती है और व्यूवर्स लाइव स्ट्रीम में कमेंट मारते ही जा रहे होते हैं। और एक कमेंट में तो लिखा हुआ होता है कि बेटा भाग ले यहीं से, नहीं तो बेटा तेरी अर्थी बन जाएगी यहीं पर। फिर फैंगनिंग भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता
जाता है क्योंकि फीमेल घोस्ट उसका हाथ पकड़े हुए था। और फैंगलिंग को जब एहसास होता है कि फीमेल घोस्ट उसका हाथ पकड़े हुए है तो वह पीछे मुड़कर देखता है और मन में कहता है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता क्योंकि मैंने अभी काफ़ी पैसे नहीं कमाए हैं। फिर फीमेल घोस्ट दोबारा से अपने पास उसे खींचती है और कहती है रोते हुए, तुमने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया और तुमने पर्सनली मुझे पीछे छोड़ा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर फैंगलिंग अपनी पास्ट लाइफ में चला जाता है। उसके डैड कहते हैं, यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुकी, हम मॉम और डैड जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर उसकी मॉम कहती है, अंकल और आंटी आपका अच्छा ख्याल रखेगी, इसलिए तुम्हें अच्छा लड़का बनना है। फिर उसकी आंटी कहती है, हे बच्चे रोना बंद कर, वैसे भी तुम्हारे माता पिता अब नहीं चाहते हैं तुम्हें, पर मेरे लिए ज्यादा काम करे नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा रात का। फिर फैंगलिंग बिस्तर में लेटते हुए कहता है, मॉम डैड मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम कहाँ हो, मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा बनूंगा। और भी अधिक रोते हुए कहता है कि मुझे मत छोड़ के जाइए। फिर मिस्टर फैंगलिंग प्रेजेंट में आता है और कहता है, ओ तुम भी मेरी तरह हो हैं। और फीमेल घोस्ट के सिर पे हाथ रखकर कहता है, रोना बंद करो ठीक है। फिर वह छोटे से बॉक्स से अंगूठी निकालता है और फीमेल घोस्ट को बैटिंग रिंग पहना देता है और उसके हाथ में बैटिंग रिंग काफी अच्छी लग रही होती है। फिर फैंगलिंग फीमेल घोस्ट को अपनी सीनी से लगा लेता है, गले से लगा लेता है और कहता है, मैं वापस आया हूँ तुमसे शादी करने के लिए। यह बात सुनकर फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उससे बहुत दूर हवा में फेंक देती है और उसका सर पेड़ से टकरा जाता है। फिर उसकी धीमी धीमी आंखें खुलती है और वह अपनी पूरी टीम को देखता है और डायरेक्टर बैंक भी साथ में होते हैं। डायरेक्टर बैंक कहता है, आखिरकार तुम जाग ही गए, ओ मिस्टर फैंगलिंग जीवित है। फिर मिस्टर फैंगलिंग खड़ा हुआ कहता है कि क्या हुआ था रात में कल और वह फीमेल घोस्ट कहाँ पर है। फिर वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं और डायरेक्टर बैंक मिस्टर फैंग से कहता है, कल जब हवा चली थी तब लोग हम सब बेहोश हो गए थे और तुम तो जानते हो कल रात जब हम बेहोश हो गए तो हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन कल रात क्या हुआ था। फिर सेकंड एम्प्लॉय कैमरा दिखाकर कहता है, हमने कैमरा भी चेक किया लेकिन दुर्भाग्य से कैमरा नीचे गिर गया था जिसकी वजह से उसमें केवल पेड़ और चट्टाने दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। फिर मिस्टर फैंगलिंग फीमेल घोस्ट के बारे में सोचकर कहता है, तो कल रात में क्या हुआ था। और फिर वह टीम से कहता है, कुछ नहीं, मुझे भी आपकी तरह बेहोश होना चाहिए था कल बस। फिर वह दोबारा मन में कहता है, प्रिंस की कब्र रात में कल काफी डरावनी थी लेकिन लगता है आज काफी ज्यादा सामान्य दिन है। फिर डायरेक्टर बैंक खुश होकर बताता है, आपके अकाउंट में 1,50,000 फॉलोवर्स बढ़ गए हैं और केवल फॉलोवर्स ही नहीं, केवल लाइव ब्रॉडकास्टिंग से ही आपने 30,000 युआन कमा लिए हैं और सिर्फ केवल आपने 15,000 युआन प्लेटफॉर्म से ही कमा लिए हैं। मैं आपको कल ब्रॉडकास्टिंग की लाइव वीडियो भेज दूंगा जिससे आपके और फॉलोवर बढ़ जाएंगे और इनकम का भी सोर्स बढ़ जाएगा। यह बातें सुनकर मिस्टर फैंगलिंग हंसने लग जाता है और कहता है, इस समय शेयर के बारे में चिंता मत करिए और मैं कॉन्टैक्ट को भी फॉलो करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पैसे देते हैं और भविष्य में हम कॉपरेट जारी रखेंगे और वैसे भी हम एक रात यहाँ पर रुके हैं तो चलो अब हम आराम करते हैं। डायरेक्टर बैंक कहता है, ठीक है। और फिर एम्प्लॉय से कहता है, आज के दिन पूरा हुआ है चलो वापस चलते हैं। एम्प्लॉय कहता है, ठीक है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई दी जाती है जहाँ से मिस्टर फैंगलिंग गुजर रहा होता है और फिर वह सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा होता है और बाद में वह अपने अपार्टमेंट के सामने आ जाता है और चाबी निकालने लग जाता है। फिर वह गेट खोलता है और घर के अंदर चला जाता है। फिर वह कोका कोला उठाता है और पीने लग जाता है। पीने के बाद वह डस्टबिन में फेंकता है डायरेक्ट और फिर वह वहीं पर सोफे पर लेट जाता है और फिर वह अपना फोन निकालता है और देखने लग जाता है और मन में कहता है, मैंने अभी आधे घंटे पहले पोस्ट किया था और 1,00,000 से भी अधिक ज्यादा व्यूवर्स आ गए हैं और यह बहुत सारे कमेंट जो पागल कर रहे हैं पढ़ने में। दोस्तों यह कमेंट आप ही पढ़ लेना ठीक है। फिर वह मोबाइल को देखकर मन में कहता है, हमने बड़ा हिट मान लिया है, भविष्य में आंचर बन जाऊंगा। और फीमेल घोस्ट के बारे में सोचते हुए कहता है, मैंने अभी तक यह पता नहीं लगाया कि वह लड़की कौन थी। फिर वह रूम की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अभी जाता हूँ और मुझे अभी से नींद आ रही है और वैसे मैंने उसे कल प्रपोज किया था तो वह मुझे फॉलो करते हुए तो नहीं आएगी सही है ना। और फिर मन में कहता है कि यह बेहतर होगा कि वह मेरे पीछे है ना, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे और अच्छे दिन जीने हैं, मैं अभी नहीं मरना चाहता। और इसके अलावा उसकी जैसी क्रोध आत्मा उस जगह से बंधी हुई है तो वह इस तरीके से नहीं छूट सकती है। फिर वह बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, वैसे भी वह अपनी कब्र में वापस चली गई होगी क्योंकि सुबह हो गई है। और फिर वह मन में कहता है, चलो सोचते हैं कि इस लोकप्रिय का लाभ कैसे उठाए और आगे वीडियो कैसे बनाया जाए पैसे कमाने के लिए। और यह कहते हुए वह सो जाता है। फिर उसके ऊपर खिड़की से चांद की रोशनी पड़ती है और वह जाग जाता है। फिर वह फोन उठाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं उस समय क्यों सो गया था और मेरा सेल फोन कहाँ पर है। यह कहते हुए वह लाल कपड़ा पकड़ लेता है और फिर वह देखता है कि उसके ऊपर फीमेल घोस्ट बैठी है और फीमेल घोस्ट उसे मुस्कुराती हुई देख रही होती है। यार सच में फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है इसमें तो। फिर आगे के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फीमेल घोस्ट फैंगलिंग के ऊपर बैठी हुई होती है और फैंगलिंग उसे बड़ी हैरानी से देख रहा होता है। फिर उससे दूर हटकर कहता है, क्या बकवास है, मैं क्या सपना देख रहा हूँ। और फीमेल घोस्ट मासूम सी शक्ल बनाकर वहीं पर बैठी हुई होती है। फिर फैंगलिंग कहता है, मैं दिन पे दिन सोचता रहता हूँ इसी वजह से मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन इतने स्पष्ट तरीके से सपना देख रहा हूँ पता नहीं था मुझे। फिर फैंगलिंग हाथ जोड़कर कहता है, मैं इतने स्पष्ट तरीके से सपना देखता हूँ इसलिए मैं इस सपने को अपने द्वारा बदलना चाहूंगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दिखाई ना दे। और फिर वह अपनी आंखें खोलता है लेकिन फिर भी फीमेल घोस्ट उसे दिखाई दे रही होती है और फीमेल घोस्ट सोच रही होती है कि ये नमूना कर क्या रहा है। और फैंगलिंग
दिन घबराती हुई कहता है ये अभी गई नहीं है, ये भूतनी अभी गई नहीं है। और फीमेल घोस्ट अभी भी सोच रही होती कि ये कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और फैंग ने अपना सर पकड़ कर कहता है दैत्य के धिक्कार है, क्या इसलिए क्योंकि मैं बचकर थक चुका हूँ, इसलिए मैं सपने से बच नहीं पा रहा हूँ। और फिर फैंग ने अपने दिमाग की बत्ती जलाता और कहता है अरे मुझे याद आया, मरने से पहले यदि आप जानना चाहते कि ये सपना है कि हकीकत, तो आपको अपने हाथ की उंगलियों के पीछे की ओर रखना होगा और आप जान जाएंगे कि ये सपना है कि हकीकत। फिर वह अपने हाथ की उंगली को दूसरी हाथ की उंगलियों में रखता है और अपने हाथ की उंगली को मोड़ देता है। फिर वह जोर से चिल्लाता है और यह आवाज़ सुनकर दोनों बिल्लियों के काम में रुकावट आ जाती है। और फैंग ने अपनी उंगली को पकड़ कर कह रहा होता बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर फीमेल खुश यह देख कर कहती ये तुम क्या कर रहे हो। फिर फैंग ने दोबारा से हैरानी से देखता हुआ कहता है ये तो ड्रीम है ही नहीं है। और फीमेल घोस्ट को छूकर कहता है यह तो वास्तव में सपना नहीं है। फिर वह खड़ा होकर कहता है जोर से कि तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर फैंग ने मन में कहता है यह सब खत्म हुआ, इस भूतनी ने मेरे घर तक पीछा गया, अब इसे मैं कैसे भगाऊंगा। फिर फीमेल घोस्ट फैंग ने का हाथ पकड़ लेती है और बहुत प्यारी सी शक्ल बनाकर कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर देखने आई हूँ। यह बात सुनकर बेचारे के होश उड़ जाते हैं और पत्थर बन जाता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों देखने आई हो, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है बॉस। फिर शर्माते हुए फीमेल घोस्ट कहती है माई हस्बैंड, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। फिर फैंग ने मन में कहता है क्या बकवास है, क्या वह मुझे अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट कर रही है। फिर फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहती है क्या तुम मुझे भूल गए हो। फिर फैंग ने डरते हुए फीमेल घोस्ट से कहता है दरअसल लास्ट नाइट में यह हुआ था कि। यह सुनकर फीमेल घोस्ट बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और चुड़ैल बनने ही वाली होती है। और फैंग ने रोने ही वाला होता है कि कहता है बहुत ज्यादा डरावना है, पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा फिर उसके बाद सोचूंगा कि उसे कैसे भगाना, और वैसे भी वह कुछ भी कर सकती है। और फैंग ने उसका प्यासा हाथ पकड़ता है और कहता है अब बेशक मैं नहीं भूला हूँ और मेरी बात सुनो तुम्हारा वैसे नाम क्या है। और फैंग ने यह कहकर उसे चुड़ैल बनने से पहले रोक लेता है, उसे शांत करा देता है। फिर फीमेल घोस्ट कहती है मेरा नाम जियांगली है। यह सुनकर फैंग ली कहता है अच्छा तुम्हारा नाम जियांगली है। अपना नाम सुनकर जियांगली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर फैंग ने मन में कहता है मैं बच गया अभी, अगर वह मुझसे असमित होती थी वह मुझे खा जाती। फिर शर्माते हुए कहता है लेकिन फीमेल बहुत ज्यादा सुंदर है। फैंगलिंग तुम क्या कह रहे हो, वह मर चुकी है, तुम इतनी लंबी समय से सिंगल हो, इसलिए क्या तुम भी फीमेल घोस्ट के लिए भावने उत्पन्न कर रहे हो। फिर फैंगलिंग खांसते हुए कहता है तुम यहाँ कैसे आई हो, तुम्हारी कब्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर है ये। फिर जियांगली सिर हिला देती है, फिर वह हवा में उड़ती है और कहती है सोस पर्पल। यह कहते ही फैंगलिंग की तरफ आगे बढ़ती है और फैंगलिंग के अंदर चली जाती है। फिर फैंगलिंग हैरानी से कहता है कभी क्या हुआ है। फिर फैंगलिंग चारों तरफ देखने लगता है कि फीमेल घोस्ट गई कहाँ है। फिर जियांगली फैंगलिंग की बॉडी से निकल है और कहती है मैं यहाँ हूँ तुम्हारी बॉडी में। फिर फैंगलिंग घबरा कर कहता है कि मेरी बॉडी में तुम कैसे आ गई। फिर जियांगली फैंगलिंग की बॉडी से बाहर निकलती है और धड़ाम से गिर जाती है फर्श पर। और फैंगलिंग हैरान हो जाता है उसे फर्श पर गिरते हुए देखकर। और फिर जियांगली अपने गाल को सहलाने लग जाती है जहाँ पर चोट लगी होती है। और यह पोज वास्तव में बहुत गजब का है यार। और फैंगलिंग उसे ऐसे पोज में देख कर शर्मा कर कहने लगता है यह बहुत क्यूट लग रही है और देखने में ऐसा नहीं लगता है कि वह मेरे पति को शत्रुता रखती है। फिर जियांगली उठने के बाद अपने कपड़े को साफ करने लग जाती है और जैसे ही वह चलने के लिए आगे कदम रखती है वैसे ही वह धड़ाम से गिर जाती है। और यह देखकर फैंगलिंग मन में कहता है वह थोड़ी सी बेवकूफ भी है। फिर फीमेल घोस्ट खड़ी हो जाती है। फिर फैंगलिंग कहता है तुम्हें अपने कपड़े बदल लेना चाहिए क्योंकि इन कपड़ों में घूमना असुविधाजनक है तुम्हारे लिए। फिर जियांगली अपना सिर हिलाती है और एक मंत्र बोलने लगती है जिसके कारण उसके चारों तरफ हरी हरी सी रोशनी हो जाती है। फिर फैंगलिंग खुश होकर कहता है क्या यह लेजेंडरी स्पेल हो सकता है। और फीमेल घोस्ट जियांगली अपने पूरे कपड़े उतार देती है उस स्पेल से। और फीमेल घोस्ट को बिना कपड़े के देखकर फैंगलिंग अपनी नाक से पिचकारी मारने लग जाता है। फिर फैंगलिंग मन में कहता है मैंने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा था ना कि कपड़े उतारने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फीमेल घोस्ट कपड़े बदलने की जगह वह अपने कपड़े उतार देती है। फिर फीमेल घोस्ट कहती है हस्बैंड तुम्हारी नाक से क्यों खून बह रहा है। फिर फैंगलिंग अपनी टी शर्ट फीमेल घोस्ट की तरफ फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से इसे पहन लो। और फीमेल घोस्ट उस कपड़े को पकड़कर देख रही होती है। फिर फैंगलिंग बहुत ज्यादा शर्माती हुई मन में कहता है यह फीमेल घोस्ट फिल्म उपन्यास से अलग क्यों दिख रही है, या फिर यह हो सकता है कि वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है, और क्या वह चाहती है कि मैं अपनी 20 साल की वर्जिनिटी उसे सौंप दूं। फिर फैंगलिंग कहता है क्या तुमने कपड़े बदल दिए। फिर फीमेल घोस्ट कहती है हाँ मैंने बदल लिए कपड़े, और मेरी तरफ देख के बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, और यह कपड़े क्या तुम इसी तरीके से पहनते हो। फिर फैंगलिंग उसका बटन खुला हुआ देखकर उसके बटन को लगाने लग जाता है। फिर फैंगलिंग अपना पसीना पोंछकर कहता है बेवकूफ मैं यह नहीं चाहता कि मैं दोबारा से नाक बहे। फिर
फीमेल घूस अपनी तरफ देखती है और कहती है बहुत टाइट है ये तो। फिर फैंग ने शर्माते हुए कहता है वह मेरे कपड़े है तो ये इसलिए आपको फिट नहीं बैठेंगे। और वैसे क्या तुम मेरा अनुसरण करती रहोगी, क्या तुम सच में मुझे अपना पति मानती हो। फिर फीमेल घूस बड़ी प्यार से कहती है जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी और मेरे पति मुझसे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगी। और जैसे ही वैसे हिलाने की कोशिश करती है तो उसके बड़े बड़े बूट से हिलने लग जाते हैं। यह देखकर फैंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और मन में कहता है यह सच में कोई एक सपना नहीं है और तुम एक लेजेंडरी फीमेल घोस्ट हो जो अपनी प्रिंसेस कब्र में कई हजारों सालों से सो रही थी। और फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है ठीक है जांगली चलो मेरे साथ चलो। फिर यह बात सुनकर फैंगनिंग के पीछे वह चल पड़ती है और कैमरे को देखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है कि चूंकि उसने यह कहा कि जो मैं कहूंगा वह करेगी और ऐसी बातें तो यह सही है, वह मुझसे अच्छी तरीके से व्यवहार कर रही है, लेकिन भूत भी झूठ बोल सकते हैं तो चलो उसका परीक्षण करते हैं। फिर जियांगली अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है यह कितना साफ है, मेरे पति मुझे यहाँ पर किस लिए लाए हो तुम और आपने अभी कहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम वही करोगी जो तुम्हारा हस्बैंड कहेगा है ना। फिर जियांगली बहुत ज्यादा शर्माती हुई कहती है हाँ मेरी डियर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। फिर फैंगनिंग कहता है जो आपने अभी कहा है तो मैं उसके अनुसार आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूँ। और फैंगनिंग की ऐसी शैतानी से मुस्कुराहट देखकर जियांगली थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है यह ब्रश है, चूंकि तुम मेरे साथ यहाँ पर रहने जा रही हो इसलिए तुम्हें रोजाना दिन और रात को अपने दांत साफ करने की जरूरत है और मैं आपके लिए टूथ ब्रश और टूथ कप खरीद लाऊंगा एक और, इसलिए मैं पहले आपको उपयोग करके दिखाता हूँ कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। फिर जियांगली बहुत ध्यान से उसे देखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है इसे पकड़ो और अपने मुंह को अच्छी तरीके से साफ करो ऊपर से और नीचे से और मुंह में जो झाग बनेगा उसे पानी से बाहर थूक दे। यह सुनते ही फीमेल घोस्ट ब्रश के साथ ही उसके हाथ को मुंह में ले लेती है और मुंह में ब्रश लेते हुए कितनी प्यारी लग रही होती है। और फिर वह अपने हाथों से ही अपने दांत को साफ करने लग जाती है और कहती है ब्रश करूंगी और मेरे दांत साफ हो जाएंगे। फिर फैंगनिंग वहां पर आता है और कहता है तुम मेरे टूथब्रश से क्यों दांत साफ कर रही हो। फिर मन में कहता है यह तो इनडायरेक्ट किस है। फिर जियांगली जल्दी से उसके गिलास से पानी मुंह में ले लेती है और फैंगनिंग यह देखकर कहता है वह जल्दी सीख रही है और जियांगली को वह टुकुर टुकुर देख ही जा रहा होता है। फिर जियांगली कुल्ला कर पानी को थूक देती है और फैंगनिंग अभी भी उसे देख ही जा रहा होता है और जियांगली ऐसे पूछने बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। फिर जियांगली कहती है हस्बैंड तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर फैंगनिंग शर्माते हुए मन में कहता है वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है और शर्माते हुए कहता है यह परीक्षा तुम्हारी पास मानी जाएगी। और जियांगली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वह कर क्या रहा है। फिर फैंगनिंग जियांगली के मुंह से टूथब्रश निकालता है और कहता है कि मेरा टूथब्रश दोबारा से यूज मत करना और क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए अलग से सेट खरीद दूंगा। और फिर उसके प्यार से गाल पे हाथ लगाता है जिसे जियांगली बहुत प्यारा से क्यूट चेहरा बनाती है और कहती है प्रिय हस्बैंड धन्यवाद मैंने आपके लिए काफी परेशानी खड़ी की है। फिर फैंगनिंग कहते हैं ये ठीक है लेकिन तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में क्यों पहचानती हो और तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो। फिर जियांगली कहती है मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मुझे इतना याद है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर वह शीशे में देख कर दोबारा से कहती है खैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण पूछ रही थी। फिर फैंगनिंग मन में कहता है कुछ चीजों की तलाश और भूलने की बीमारी भी है और निश्चित रूप से यह किसी ऐसी चीज के कारण है जिसके कारण आपने मुझे खोजा था। फिर जियांगली अपने सिर को पकड़ के कहती है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए ऐसा लगता है इस चाम ने मेरी यादों को बंद करके रखा है। फिर फैंगनिंग मन में कहता है जियांगली का चाम को मैं नहीं जानता कि यह क्या है लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे दिया है इसमें दुर्भाग्य और आशीर्वाद हो सकता है, इसके बारे में यहाँ सोचना उचित नहीं है, सबसे पहले तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, मैं टॉयलेट कर वापस आता हूँ। फिर वह टॉयलेट कर रहा होता और कहता है कि वास्तव में उसे कुछ याद नहीं है और उसके सर पे कुछ जुनून है जिसकी वजह से वह भूत है और टॉयलेट करते समय पे कुछ उसे अजीब सा लग रहा होता है और जियांगली मजेदार तरीके से उसे देख रही होती है। फिर फैंगनिंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर जियांगली फुल कॉन्फिडेंस से कहती है बेशक मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। यह सुनते ही फैंगनिंग के ऊपर से एक कौवा उड़ जाता है। फिर फैंगनिंग जियांगली के पिछवाड़े पे लात मार के उसे बाहर फेंक देता है और चिल्ला कर कहता है बाहर जाओ और मेरा इंतजार करना। और जियांगली थोड़ा सा हैरान हो जाती है। फिर फैंगनिंग टॉयलेट करने के बाद बहुत आराम मिलता है उसे और पसीना सब पहुंचने लग जाता है और फिर वह टॉयलेट का फ्लश दबाता है और जियांगली के बारे में सोचने लग जाता है और मन में कहता है हालांकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर हो और तुम मुझे अपना पति बुलाती हो लेकिन मनुष्य और भूतों का रास्ता अलग अलग होता है और वह एक साथ नहीं चल सकते हैं और मैं कोई निंग कैचेन और जूजियान नहीं हूँ, ये असंभव है ऐसे रास्ते पे चलना मेरे लिए और यह बेहतर होगा कि मैं किसी तरीके से ऐसा रास्ता खोज लूं कि मैं उससे पीछा छुड़ा लूं। फिर फैंगनिंग गेट खोलता और अंदर जाता और कहता है जियांगली तुम क्या कर रही हो और वह कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से वह पत्थर बन जाता है और वह जियांगली का ऐसा खतरनाक
पोज देख लेता है सेक्सी वाला, और साथ ही वह एक किताब पढ़ रही होती है। और फैंगलिंग दौड़ कर जाता है और जैंगलिंग के ऊपर कूदता है और कहता है कि वापस दे दो, लेकिन जैंगलिंग बच जाती है और हवा में उड़ जाती है। और फिर फैंगलिंग शर्माते हुए कहता है तुमने ये किताब कहाँ से खोज ली है, और वह दोबारा से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैंगलिंग उसे दोबारा बच जाती है और कहती है मैंने इसे अपने हस्बैंड के बेड के नीचे से खोजा है। और हस्बैंड ये किताब के लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्या वह एक युगल है, और हस्बैंड क्या मुझे आपके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। और यह सुनते ही फैंगलिंग का चेहरा लाल हो जाता है और उसमें से धुआं सा निकलने लग जाता है, और मन में कहता है कि क्या वैसे ही सेम करना होगा। फिर फैंगलिंग दोबारा से उससे किताब छीनने लग जाता है और जैंगलिंग उससे बच जाती है। फिर फैंगलिंग कहता है जब मैं कुछ खरीदने के लिए गया तो एक बूढ़े आदमी ने जबरदस्ती यह किताब मेरे हाथों में पकड़ा दी और मुझे ये खरीदनी पड़ी। फिर जैंगलिंग किताब के चित्र को दिखाकर कहती है हस्बैंड यह लड़की अपने हस्बैंड के सामने घुटने क्यों टेकती है और उनके सामने सिर क्यों झुका रही है। यह सुनकर फैंगलिंग का चेहरा लाल हो जाता है और शर्माने लग जाता है बहुत ज्यादा। एपिसोड में हमने देखा था कि जैंगलिंग पूछती है हस्बैंड यह लड़की अपने पति के सामने क्यों घुटने टेक कर बैठी है। यह बात सुनकर फैंगलिंग बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। फिर फैंगलिंग जल्दी से पुस्तक जैंगलिंग से छीन लेता है और कहता है यह बुक मुझे वापस करो जल्दी से और इसे पढ़ना मत तुम। फिर वह बेड के नीचे बुक रख कर कहता है अब से तुम्हें मेरी परमिशन के बिना मेरी चीजों को छूने की जरूरत नहीं है, तुम समझी ना। और जैंगलिंग उसे बुक छुपाते हुए देख ही रही होती है और फैंगलिंग की बात सुनकर कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर फैंगलिंग कहता है चलो वैसे काम की बात पे आते हैं, तुमने कहा कि अभी तुमने बाथरूम में इसे खो दिया था। इतना कहते ही है कि जैंगलिंग अचानक से फैंगलिंग के करीब आ जाती है और फैंगलिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और जैंगलिंग फैंगलिंग के मेन पॉइंट को देखकर शैतानी से मुस्कान देने लग जाती है। यह देखकर फैंगलिंग कहता है ऐसी जगह पर मत देखो जहां पर मुझे शर्म आ रही हो। फिर जैंगलिंग कहते हैं जो किताब में चित्र है उसके अनुसार रियलिटी में बहुत ज्यादा अलग दिख रहा है। यह कहते हुए जैंगलिंग अपने दोनों हाथ उठाती है और शैतानी से मुस्कान देकर उसके मेन पॉइंट को पकड़ने लग जाती है। फिर फैंगलिंग अपने मेन पॉइंट को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और जैंगलिंग उसके मेन पॉइंट को पकड़ कर कहती है जो किताब में लिखा है वही करो, सबसे पहले मेरे पति को अपने कपड़े उतारने होंगे। फिर फैंगलिंग शर्माते हुए कहता है जो किताब में लिखा है उसे भूल जाओ, और तुम मेरे कपड़े अचानक से क्यों उतारने लगी हो, और ऐसे काम कैजुअल नहीं किए जा सकते हैं। फिर जैंगलिंग गुस्सा सा चेहरा बनाकर कहती है मैं ऐसी लापरवाही से काम क्यों नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं केवल अपने हस्बैंड के साथ कर सकती हूँ सिर्फ। यह कहते हुए वह फिर से फैंगलिंग के मेन पॉइंट को पकड़ने लग जाती है और फैंगलिंग जंप करके अपने मेन पॉइंट को बचा लेता है। और फैंगलिंग कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी मिले हैं, और जैंगलिंग उसे अभी भी पकड़ने जा रही होती है। यह देखकर फैंगलिंग कहता है सबसे पहले हमें बैठना चाहिए और हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। यह कहते हुए फैंगलिंग मन में कहता है मैं अभी भी वर्जिन हूँ और मैं अपनी वर्जिनिटी इस फीमेल घोस्ट को लापरवाही से नहीं लेने दूंगा। फिर फैंगलिंग दोबारा से शर्मा कर कहता है अगर वह मेरे साथ जबरदस्ती करती है तो मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ और मुझे अपनी वर्जिनिटी उसे देनी पड़ेगी डायरेक्टली। और जैंगली इधर बेड पर बैठकर कहती है शांति से ठीक है मैं समझ गई। यह सुनकर बेचारा फैंगलिंग वहीं पर खड़ा होकर मुर्दा बन जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस होती है। फिर फैंगलिंग अपना सिर हिलाकर कहता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, और ऐसी हरकतें देखकर जैंगलिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर फैंगलिंग मन में कहता है आखिरकार हम अपनी काम की बात पर वापस आ ही गए। फिर फैंगलिंग जैंगलिंग से कहता है चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। यह सुनते ही जैंगलिंग शर्माती हुई कहती है आई सी किताब में उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने हैं तो हम भी वैसे ही करते हैं, सबसे पहले मुझे अपने कपड़े उतारने होंगे और तुम्हें भी अपने कपड़े उतारने होंगे। यह कहते ही वह अपने बड़े बड़े बूट्स दिखाने लग जाती है। यह देखकर फैंगलिंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहता है मैंने इतनी सारी बातें कहती है ये फालतू में कहती है क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया है। फिर जैंगलिंग शर्माती हुई मुस्कुराती हुई कहती है इस मामले में मेरे पति को मुझे स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। यह कहते हुए जैंगलिंग फैंगलिंग के बहुत करीब आकर कहती है मेरे हस्बैंड आप मुझे इस तरीके से पसंद करते हैं, अगर आप करते हैं तो हम अभी कर सकते हैं। यह कहते हुए जैंगलिंग उसे किस करने जा रही होती है और बहुत ज्यादा शर्मा कर कहता है तुम मुझे देने जा रही हो। फिर वह अचानक से अपनी टी शर्ट उतारता है और कहता है जल्दी से इस कपड़े को पहन लो। फिर हमें खिड़की से चांद दिखाई दिया जा रहा होता है जो सुंदर लग रहा होता है, और जैंगली फैंगलिंग की टी शर्ट पहन रही होती है और साथ ही क्यूट सा फेस भी बना रही होती है। फिर फैंगलिंग कहता है क्या तुमने कपड़े पहन लिए और तुम्हें किताब से सीखने की जरूरत नहीं है, तब मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। और जैंगलिंग ने पूरे कपड़े पहन लिए होते हैं और वह कहती है ठीक है। फिर फैंगलिंग कहता है वैसे तुम अपना मैजिक का उपयोग करके अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लेती हो। फिर जैंगलिंग कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैजिक बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है और ऊपर से मेरे हस्बैंड के कपड़ों में से बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही होती है। फिर फैंगलिंग शर्माते हुए कहता है ऐसी अजीब सी बातें मत करो। यह सुनते ही जैंगलिंग मासूम सा चेहरा बना लेती है। फिर फैंगलिंग मन में कहता है आमतौर पर कहते हैं कि भूतों को नंगी आंखों से और कैमरे में नहीं देखा जा सकता है। फिर वह जैंगलिंग से कहता है जैंगलिंग क्या तुम सच में एक भूत हो। फिर जैंगलिंग थी क्या भूत, यह सोचने के बाद फिर वह कहती है मैं भूत नहीं हूँ। यह सुनने के बाद फैंगलिंग कहता है तो फिर तुम क्या हो। फिर जैंगलिंग कुछ नहीं कह पाती
है। फिर फैंगनिंग कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था कि एक सोल बॉडी जुनून में बदल गया हो, और अगर मुझे उससे जल्दी पीछे छुड़ाना है तो मुझे उसकी हेयर पिंक ढूंढने में मदद करनी होगी। फिर फैंगनिंग कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने अपनी खोई हुई चीज कहाँ खोई है। फिर जैनलिन कहती है, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर फैंगनिंग कहता है, क्या तुम भूखी हो, तो चलो मेरे साथ आओ। और मुन्ने में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सोल बॉडी को भी भूख लगती है। यह कहते हुए जैनलिन का हाथ पकड़ता है, उसे फ्रिज की तरफ ले जाता है और मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि सोल बॉडी को ह्यूमन फूड पसंद आएगा। फिर फैंगनिंग फ्रिज में सिगरेट निकाल कर देता है जैनलिन को और कहता है, घर में कुछ नहीं है, सबसे पहले तुम इसे खाओ। फिर जैनलिन अपने हाथों में ब्रेड लेती है, उसे खाने लग जाती है अजीब तरीके से, लेकिन खाते समय पर भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया है। फिर जैनलिन उसे ब्रेड रोटी देते हुए कहती है कि यह मेरे लिए काफी नहीं है खाना खाने के लिए। फिर फैंगनिंग कहता है, अच्छा तुम्हें ये काफी नहीं है खाने के लिए। यह कहते हुए मन में कहता है, एक सोल बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत होती है उसे हवा में रहने के लिए, हालांकि ह्यूमन फूड उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसे खाना कहाँ से मिलेगा। फिर फैंगनिंग पूछता है, तो तुम्हें क्या खाना चाहिए। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, क्या यह हो सकता है कि वह मेरी यंग एनर्जी को खाना चाहती है। यह सुनने के बाद वह कुछ नहीं कहती है और उसे कुछ संकेत मिल जाते हैं और वह कहती है, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई स्वादिष्ट भोजन है। फिर फैंगनिंग कहता है, क्या स्वादिष्ट भोजन, और सूंघते हुए कहता है कि कहाँ पर है। फिर जैनलिन फैंगनिंग के कंधों पर हाथ रखती है और उसे हवा में उड़ाकर ले जाती है उसके अपार्टमेंट से, और फैंगनिंग की बहुत जोर से चीखें निकल जाती है। और साथ ही हमें बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही होती है और आसमान बहुत दूर से ग्रीन रोशनी दिख रही होती है जो फीमेल घोस्ट की होती है। फिर फैंगनिंग चिल्लाकर बोलता है कि तुम क्या करने जा रही हो, कम से कम मुझे ये बता दो तुम कहाँ लेती जा रही हो, और मुझे अपने शूज तो बदलने देती। फिर हमें दूर से फीमेल घोस्ट की ग्रीन रोशनी दिखाई दे रही होती है और फैंगनिंग नीचे उतरता है और एक पेड़ के पास जाकर बहुत सारी उल्टी करने लग जाता है और जैनलिन आगे बढ़ने लग जाती है। फिर जैनलिन कहता है कि हम कहाँ आ गए हैं, और वह किसी स्थान को देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है और देखते हैं एक बहुत डरावना बहुत ही कॉलेज होता है जहाँ पर जैनलिन आगे बढ़ती जा रही होती है और उसके पीछे फैंगलिन पड़ता जा रहा होता है। फिर हम कॉलेज को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और दोनों कॉलेज के अंदर जा रहे होते हैं। फिर फैंगलिन कहता है, मैंने हेवन प्राइमरी स्कूल के बारे में कहीं पर सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पर सुना है। इतना कहने के बाद मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ गलत हुआ है। फिर वह मोबाइल निकालता है और हेवान प्राइमरी स्कूल की लोकेशन देखने लगता है अपने मोबाइल में, और जैसे ही वह हेवान प्राइमरी स्कूल की लोकेशन देख लेता है अपने मोबाइल में, वैसे ही देख के वह चौंक जाता है और मन में कहता है, ओ ये तो हेवान गांव है, मैंने इसे समाचार में सुना है, यह वास्तव में है, और हालांकि यह मेरे किराए के घर से कुछ किलोमीटर दूरी है, लेकिन मैंने किसी को इस गांव की ओर जाते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि यहां पर एक डेवलपमेंट आया था अमेजन पार्क बनाने के लिए, और इस जमीन को खरीदने के बाद गांव वाले दूसरी जगह पर चले गए थे, और कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद सुपर नेचुरल कई सारी घटनाएं घटी जिसके कारण यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और गांव वाले गायब हो गए। और इतनी सारी न्यूज पढ़ने के बाद वह डरते हुए जैनलिन की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर जैनलिन अपनी लाल टपकाती हुई कहती है, वहाँ अंदर डिलीशियस फूड है। फिर फैंगनिंग कहता है, आप जिस डिलीशियस फूड के बारे में बात कर रहे हैं वह वहाँ हो ही नहीं सकता है। यह कहने के बाद वह मन में कहता है, उसके समान वहाँ ऊर्जा हो ही नहीं सकती है, क्या वह बुरी आत्मा को खाने की बात कर रही है। फिर फैंगनिंग जल्दी से अपनी फुर्ती दिखाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर कहता है, फिर अंदर जाओ और खाना खाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर जैनलिन कहती है, लेकिन मैं अपने पति से ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ, तो इसलिए हस्बैंड मेरे साथ चलो ना हस्बैंड। यह कहने के बाद वह उसे धक्का मारते हुए अंदर ले जा रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है, ठीक है लेकिन मुझे धक्का मारना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जैनलिन प्यारा सा चेहरा बनाकर उससे कहती है, हाजिर मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले चलो। 10 साल पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ था तब एक लड़की यहाँ मिसिंग हो गई थी और वह उस समय एक सिक्स ग्रेड स्टूडेंट थी और उसका नाम लियानजिंग था, और जब अचानक से वह गायब भाई तो स्कूल भी बंद हो गया था और उसके माता पिता ने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस वालों ने उसे पीछे वाले पहाड़ों पर भी देखा और सीसीटीवी कैमरा में भी देखा, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिली और उसे हर जगह देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हवा में गायब हो गई हो। और परिणाम स्वरूप कुछ महीने बाद लियानजिंग की बॉडी अचानक से बिल्डिंग टीचिंग में मिली और उसकी बॉडी देख के टीचर और स्टूडेंट्स हैरान हो गए थे और पुलिस ने तुरंत ही घटनास्थल की जाँच की और लियानजिंग की बॉडी पर रिसर्च किया तो पता चला कि वह एक महीने पहले ही मर चुकी थी और शरीर के आसपास एक भी निशान नहीं मिला, जैसे मानो कि वह हवा से ही प्रकट हो गई हो। और अगले महीने बाद जियांग चेंग हेवान प्राइमरी स्कूल के पिछले प्रिंसिपल थे, जिन्होंने अचानक से अपने अपार्टमेंट में बिना किसी कारण के सुसाइड कर लिया था। फिर वह दोनों पिछले प्रिंसिपल स्टेच्यू के पास पहुंच जाते और फैंगनिंग कहता है, और तभी से हेवान प्राइमरी स्कूल में सुपर नेचुरल घटनाएं घटती रहती है और इसी कारण से तब से स्कूल बंद है। और फिर वह मोबाइल निकालता है और उसके बारे में और जानकारी निकालने लग जाता है और फैंगनिंग बहुत ज्यादा कांपते हुए कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि वहां पर बहुत ही खतरनाक आत्माएं हैं। और जैनलिन फैंगनिंग के चारों तरफ घूमती हुई कहती है, डिलीशियस डिलीशियस। यह कहने के बाद वह स्टेच्यू के पास जाती है और
उसके ऊपर हाथ रखती है। फिर फेंग दिंग कहता है यहाँ पर कुछ नहीं है तो चलो वापस चलते हैं। यह सुनने के बाद जियांग ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फेंग लिंग की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से से देखने लग जाती है। फिर फेंग लिंग डरते हुए कहता है यार ये जस्ट मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था बस। फिर फेंग लिंग मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह थोड़ा अश्वनीय है, लेकिन उसके यहाँ होने से ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और राहत भी महसूस होती है। फिर वह स्कूल का दरवाजा खोलता है और देखता है कि वहाँ पर अंदर बहुत सारी टूटी फूटी चीजें डरी हैं। और फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं और फेंग लिंग टॉर्च जलाकर देखने लगता है आसपास। फिर जियांग ली कहती है हस्बैंड ऊपर देखो वहाँ पर। यह सुनते ही फेंग लिंग भी ऊपर देखने लगता है। फिर वह ऊपर जाने लग जाता है और वह दोनों प्रिंसिपल के रूम के पास आ जाते हैं। यह देखकर जियांग ली बहुत तेजी से प्रिंसिपल के रूम के पास जाने लग जाती है। उसे दौड़ते हुए देखकर फेंग लिंग कहता है मेरे लिए रुक जाओ, और फिर वह दोनों प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हैं। फिर फेंग लिंग किसी चीज को देखकर कहता है यह तो, इतना कहने के बाद जियांग ली किसी चीज को देखती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। और फेंग लिंग उस चीज को हाथों में उठाता है और उसे देखने लग जाता है। और फिर मन में कहता है इसे पकड़कर थोड़ा सा ठंडक महसूस होती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। और फिर जियांग ली फेंग लिंग के हाथों से लेकर अपने हाथों में लेकर उसकी ऊर्जा को निकालकर खाने लग जाती है। और उसकी ऊर्जा को खाने के बाद वह फेंग लिंग के हाथों में दे देती है और उस ऊर्जा को निकल जाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और कहती है ये बहुत ज्यादा डिलीशियस था। यह सुनकर फेंग लिंग कहता है तुमने क्या खाया था अभी। फिर जियांग ली कहती है मैंने अभी सोल पावर खाया था, इस कॉम में सोल पावर थी। फिर फेंग लिंग मन में कहता है इसे खाने के बाद इसमें से ठंडा कोल्ड एटमोसफेयर चला गया है। फिर जियांग ली अजीब सी हरकतें करके कहती है अगर मैं इसे खाती हूँ तो मेरा पेट फुल भर सकता है। फिर फेंग लिंग दोबारा से मन में कहता है इस कंगी की सोल पावर खाने के बाद वास्तव में जियांग लिंग का पेट फुल हो जाएगा, और क्या यह सब हो सकता है कि इस स्कूल में वास्तव में इविल घोस्ट हो। फिर जियांग ली उसका हाथ पकड़ कर कहती है हस्बैंड वहाँ पर इससे भी बेहतर कुछ है। फिर फेंग लिंग कहता है कि कहाँ पर। फिर जियांग ली कहती है मुझे नहीं पता कि कहाँ पर, लेकिन यही आसपास होना चाहिए। फिर फेंग लिंग कहता है ठीक है अब जब तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हारे साथ ढूंढूंगा। यह कहने के बाद वह आगे जाकर रुक जाता है। फिर फेंग लिंग कहता है कि यहाँ पर एडवेंचर वीडियो अच्छी तरीके से बन सकते हैं, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, चलो अपने एडवेंचर वीडियो बनाते हैं यहाँ पर और साथ ही इससे कुछ पैसे कमा लेते हैं। यह सुनने के बाद जियांग ली देखती है और कहती है यहाँ पर रुककर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। फिर फेंग लिंग एक्साइटेड में होकर उसके हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम सोल पावर की लोकेशन को सेंस कर सकती हो। फिर जियांग ली कहती है वैसे मैं आमतौर पर डायरेक्शन पता लगा सकती हूँ। फिर फेंग लिंग कहता है ये हुई ना बात, चलो फिर शुरू करते हैं। यह देखकर जियांग ली कहती है घर क्या रहा है दोबारा से यार। फिर फेंग लिंग दोबारा से मन में कहता है अगर मैं प्रिंसेस टॉम का पॉपुलैरिटी का लाभ उठाऊं और सुपर नेचुरल चीजों की घटनाओं की वीडियो शूट करता हूं तो इसमें काफी ज्यादा फायदा होगा, वीडियो हिट भी होंगे और मैं शायद नंबर वन पे भी आ जाऊं। फिर फेंग लिंग जियांग ली को बताता है कि कैमरा कैसे चलाते हैं, सबसे पहले इस बटन को प्रेस करें फिर उसके बाद चालू करें तो वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर जियांग ली कहती है मुझे याद रहेगा हस्बैंड। यह कहते ही वे अपनी सुपर नेचुरल पावर का उपयोग कर उसे मोबाइल को हवा में उड़ा देती है। फिर फेंग लिंग उसके सर को सहलाने लग जाता है और कहता है जब तक आप अच्छे से फोटो लेंगे मैं आपको अच्छा खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनने के बाद जियांग ली फेंग लिंग के चारों तरफ घूमने लग जाती है और कहती है डिलीशियस डिलीशियस। फिर फेंग लिंग मन में कहता है एक ऐसी घोस्ट वाइफ जो हवा में उड़ सकती है और उसके पास मैजिक है और वह सुपरनेचुरल चीजों में खोजने में सक्षम भी है। और फिर वह अपने ख्वाबों में खो जाता है और कहता है कि बस वीडियो को शूट करो चारों तरफ से और वीडियो को ऑनलाइन पब्लिश कर दो और इस तरह आप निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में लोकप्रिय हो सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और तुम्हें सभी ऑपरेशन अच्छी तरीके से याद है। फिर जियांग ली कहती है हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, अच्छी फोटो लेकर अच्छा खाना खाने जाएंगे। फिर फेंग लिंग कहता है ठीक है तो हम शूटिंग करने के लिए तैयार है। और जियांग ली चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो बनाना याद रखे। फिर जियांग ली कहती है ठीक है और फिर वह वीडियो का बटन दबाकर वीडियो बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर फेंग लिंग लाइव स्ट्रीम में कहता है हेलो एवरीवन, मैं राइटिंग गैंग का चीफ एल्डर हूँ, लंबा समय हो गया तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं है, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया। यहाँ से आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फेंग लिंग कहता है पिछली बार प्रिंसेस मकबरे का दौरा करने के बाद अब यहाँ पर आए हैं और यह युवान गांव के पहाड़ के पीछे वाला विद्यालय है, इसका नाम है हेवान प्राइमरी स्कूल। और हेवान प्राइमरी स्कूल का 40 साल पहले स्थापना हुई थी और स्पेशली सेंगुल फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था खासकर गांव के बच्चों के लिए। और 10 साल पहले एक लड़की रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हो गई थी जिसके कारण कुछ यहां पर किंवदंतियों का जन्म हुआ और तब से हर साल इस क्षेत्र में तलाक के मामले और दुर्घटनाएं और मृत्यु होने लगी। और 3 साल बाद इस स्थान को नष्ट होने के बाद यहाँ के निवासी सभी लोग चले गए। और यह क्या एक संयोग की बात है, हो ही नहीं सकती, मुझे लगता है यहाँ पर भूतों की पूजा होती होगी। तो आइए मैं आपको अपने साथ एक रहस्यमय विद्यालय की गहराई तक ले चलूं और रहस्यमय चीजों का उजागर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह पिछले प्रिंसिपल का एक ऑफिस है और फेंग लिंग के पीछे से उस कंगी में से कुछ एनर्जी सी निकलने लग जाती है। फिर वह कंगी हवा में उड़ने लगती है। फिर जियांग ली को स्मेल आने लगती है और जियांग ली कहती है यह तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतना कहने के बाद वह सिर हिलाकर कहती है मैं नहीं खा सकती अभी और मुझे अच्छी वीडियो बनानी है जिसके बाद मुझे डिलीशियस खाना
खाना मिलेगा खाने के लिए। वैगनिंग कहता है, ऐसा कहा जाता है कि आखिरी जगह जहां लड़की लिंक्सिया का शरीर हवा में गायब हुआ था वह प्रिंसिपल का ऑफिस था और फांसी लगाने वाले प्रिंसिपल की मौत भी इसी कमरे में हुई थी। तो यह सभी इस घटना का स्रोत होना चाहिए। तो हाल ही में मैंने प्रिंसिपल के कमरे का निरीक्षण किया तो यहाँ पर एक लड़कियों की कंघी मिली और अभी इतना ही पता चला है, आगे और देखते हैं। फिर वह कहता है, मैं इस कंघी को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, और वह देखता है कि वह कंघी एक ही स्थान की बार बार चक्कर लगा रही होती है। फिर वह जियांगलिंग की तरफ देखता और कहता है, जियांगलिंग क्या तुम यह कर रही हो। यह कहकर वह मन में कहता है, क्या वह जियांगलिंग अपनी पावर से मेरी मदद कर रही है, लेकिन मैंने उससे मदद करने के लिए कहा भी नहीं अभी तक। तो फिर अचानक से ली जियांग का भूत फेंगनिंग का हाथ पकड़ लेती है। फिर फेंगनिंग जियांगलिंग की तरफ देखता और कहता है, यह तो जियांगलिंग नहीं है, तो यह कौन है और यह हाथ मेरा किसने पकड़ के रखा है। इतना कहकर वह पीछे पलट कर देखता है, तब वह बहुत ही खतरनाक भूत को देखता है और वह भूतनी उससे चिपकते ही जा रही होती है। फिर फेंगनिंग कहता है, यह भूतनी कहाँ से आ गई और मुझसे चिपक क्यों रही है। फिर वह भूतनी फेंगनिंग का बहुत जोर से गला पकड़ लेती है। फिर फेंगनिंग मन में कहता है, यहाँ तक कि मैं आपाज भी नहीं निकाल सकता हूँ और मेरा शरीर अकड़ता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि इसकी यह अनोखी एबिलिटी है और मेरा शरीर हिल भी नहीं सकता है। जियांगली मेरी मदद करो, और भूतनी और जोर से गला दबाने लग जाती है और उसे देखकर हंसने लग जाती है। फिर फेंगनी कांपते हुए कहता है, क्या जियांगली ने कुछ नोटिस नहीं किया अभी तक। और जियांगली वीडियो बनाती हुई कहती है, कुछ अच्छी वीडियो बनाओ और बाद में स्वादिष्ट खाना खाओ। फिर फेंगनी कहता है, जियांगली जल्दी से मेरी मदद करो, मैं और देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद फेंगनी बेहोश होने लगता है और उसके मोतियों के ब्रेसलेट में से कुछ एनर्जी से निकलने लगती है और साथ ही फेंगनिंग के शरीर में से भी बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है। और फेंगनिंग कहता है, मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ। और भूतनी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और फेंगनिंग अपने शरीर की शक्तियों का उपयोग करके उसका हाथ पकड़ लेता है। और भूतनी कहती है, यह कैसे हो सकता है, वह मुझे कैसे छू सकता है, मैं तो एक भूतनी हूँ। और फेंगनिंग भूतनी का हाथ पकड़ के उसे बहुत तेजी से जमीन पर फेंक देता है और भूतनी काफी खतरनाक तरीके से जमीन से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे भूतनी वहीं पर ही मर गई हो दोबारा से। फिर फेंगनिंग खांसने लगता है और अपने गले को सहलाने लग जाता है। फिर वह अपने हाथों को देखता है और कहता है, यह तो पावर है। फिर भूतनी वहीं पर बैठी होकर कहती है, क्यों क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। यह सुनकर फेंगनिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर भूतनी कसकर जमीन पर पंजा रखती है और बहुत तेजी से फेंगनिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लग जाती है। फिर फेंगनिंग को जियांगली की आवाज सुनाई देती है कि जल्दी से साइड में हो जाओ। यह सुनकर फेंगनिंग भूतनी के अटैक को डॉज कर लेता है। फिर फेंगनिंग कहता है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल बन गई है और इस लेवल पे केवल जिम्नास्टिक चैंपियन ही हो सकता है। फिर भूतनी पीछे पलट कर देखती है और बहुत तेजी से भागने लग जाती है गेट की तरफ। और जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है वहां पर एक बैरियर सा लग जाता है और वह बैरियर से टकराकर वह पीछे की तरफ आ जाती है। यह देखकर फेंगनिंग चौंक जाता है और जियांगलिंग कहती है, हस्बैंड आप अपनी शक्तियों का उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सुनकर भूतनी सतर्क हो जाती है और फेंगनिंग अपने हाथों को देखकर मन में कहता है, यह पता चला यह तो जियांगलिंग की आवाज थी जो मैंने अभी सुनी थी। क्या जियांगलिंग ने मुझे अभी शक्ति दी है, यह तो अच्छी सोच है। चलो तो फिर मेरी परफॉर्मेंस दिखाने का समय आ गया। फिर फेंगनिंग बहुत तेजी से पंच मारता है लेकिन भूतनी उस पंच को डॉज कर लेती है और मन में कहती है, इस आदमी के साथ क्या हो रहा है, ऐसा लगता है इस आदमी के साथ कुछ गलत है। फिर फेंगनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे बिना मेरी वीडियो नहीं बन पाई और पॉपुलर भी नहीं हो पाएगी, मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर करता हूँ। यह कहकर फेंगनिंग बहुत जोर से पंच मारता है और भूतनी दीवार से जाकर टकरा जाती है और उसके मुंह से ब्लैक ब्लड निकलने लगता है। फिर फेंगनिंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है, यदि तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा। फिर भूतनी कहती है, ठीक है। यह कहकर वह ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फिर उसके होंठ काफी सुंदर हो जाते हैं और साथ ही उसके बूब्स बड़े और सुंदर हो जाते हैं। फिर वह फेंगनिंग को अचानक से किस कर लेती है और फेंगनिंग चौंक जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती है उसकी। फिर भूतनी का पूरा ट्रांसफॉर्म फॉर्म दिखाई दिया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा सेक्सी और सुंदर लग रही होती है। फिर भूतनी फेंगनिंग को प्यार से गले लगाकर कहती है, लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें एक बार दूंगी, क्या तुम मुझे फिर जाने दोगे। एक एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर ली जियांग उसके बहुत करीब आकर कहती है, लिटिल ब्रदर जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे। फिर वह फेंगनिंग के कान को चाट कर पीछे से हटने लगती है और फेंगनिंग बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह कहकर उसे अचानक से डर लगने लगता है और वह पीछे पलट कर देखता है तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है, हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो। यह देखकर फेंगनिंग लीजिया के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहता है, अपना मुंह बंद कर और दिन के उजाले में तू मुझे सेड्यूस कैसे कर सकती है। यह सुनकर लीजिया मन में कहती है,
अब मैं ये महान रात्रि कहाँ से लेकर आऊँ? फिर फैंगनिंग कहता है, यह मत सोचो कि तुम अपने छोटे छोटे तरीके से मुझे सेड्यूस कर सकती हो। यह कहने के बाद मैं मन में कहता है, अगर मैं यह नहीं कहता तो मेरी पत्नी मुझे हंटर से मार मार के अपनी तरह भूत बना देती मुझे भी। यह कहने के बाद वह अपना पसीना पोंछता और लंबी सी सांस लेकर सांस छोड़ता है। फिर लीजिए रोती हुई कहती है, लिटिल बेटा मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह कहने के बाद ली जियांग फैंगनिंग के चेहरे के ऊपर धुआं धुआं सा कुछ छोड़ देती है। फिर फैंगनिंग खांसते हुए कहता है, इसने मेरे साथ क्या किया अभी? फिर वह उसका हाथ पकड़ता है तो वह हिस्सा गायब हो जाता है जहाँ पर वह पकड़ता है। फिर वह फैंगनिंग के पीछे आ जाती है और कहती है, मैंने अभी तुम्हें धोखा दिया क्योंकि मैं तो बस आपकी आत्मा की शक्ति को अवशोषित करने के लिए आपके पास आया था और अब मैं पहले से दोगुना मजबूत हूँ। यह कहकर वह फैंगनिंग के पीछे से बहुत तेजी से हमला कर देती है और फैंगनिंग दूर जाते हुए गिरते हुए अपने आप को संभाल लेता है। फिर फैंगनिंग उसे देखने लगता है और लीजिए हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारी सोल पावर शक्ति का धन्यवाद जिसने मुझे दोगुना ताकत बना दिया है। यह कहकर उसके ऊपर हमला करने चली जाती है और कहती है, तुम अब मुझसे छुप नहीं सकते हो। यह कहकर फैंगनिंग के ऊपर बहुत शानदार तरीके से अटैक करने लगती है और फैंगनिंग को कई जगह चोट भी लग जाती है। फिर चुड़ैल कहती है, क्या हो रहा है? वह और फास्ट होता जा रहा है। यह कहकर वह चिल्लाकर अपनी सोनिक पावर का यूज करती है और फैंगनिंग वहीं पर जम जाता है और इसका फायदा उठाकर फैंगनिंग के ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती है। फिर वह अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक कर देती है और फैंगनिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छिपकर हमला करने की? क्या तुम अभी और कोशिश करोगी? फिर चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हें मानना चाहती हूँ। यह कहकर उसके ऊपर दोबारा से हमला करने जाती है लेकिन फैंगनिंग उसे बहुत जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है, क्या मानना? तुम बस लड़ना और मानना जानती हो, यही सीखा है क्या तुमने? फिर चुड़ैल कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? यह सुनकर फैंगनिंग दूसरा थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम क्या कर रही थी? इन खरोचों को देखो जो तुमने मेरे शरीर पर लगाई है। यह कहने के बाद वह गुस्से से चुड़ैल का सिर पकड़कर टेबल पर बार बार मारता जा रहा होता है और लाइव स्ट्रीम में फेंकने एक काले से इविल स्पीड को अपने हाथों से मारता जा रहा होता है और जंगली वीडियो बना रही होती है। इविल स्पीड की पावर आ रही होती है तो वह उस इविल स्पीड की सोल को खाने लग जाती है और खाने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, बहुत ज्यादा डिलीशियस था ये तो। और फेंकने उसे पकड़ कर कहता है, मुझे बताओ तुम क्या हो और तुम लोगों को यहाँ पर नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? वह बोलने वाली होती है कितनी देर में वह बहुत जोर से रोने लग जाती है और यह देखकर फैंगनिंग हैरान हो जाता है और वह मन में सोचने लगता है, यह कैसी स्थिति बन गई है और वह अचानक से रोने क्यों लग रही है इतनी जोरों जोरों से? ऐसा लगता है जैसे मैं विलन हूँ और मैं उसे बुली कर रहा हूँ। और फिर वह बैठ जाती है और उसकी इविल सोल जाने लग जाती है और वह छोटी होने लगती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यह देखकर फैंगनिंग कहता है, तुम कौन हो? और उसके असली रूप को देखकर कहता है, लोटस सेंट। फिर लोटस सेंट कहती है, तुम मुझे जानते हो? फिर फैंगनिंग उसके पास बैठकर कहता है, लोटस सेंट तुम क्या तुम ही हो? फिर लोटस सेंट कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ, मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, यदि हेवान एलिमेंट्री स्कूल की दुर्घटना का कारण रहस्य में एलिंगजिया पाई जाती है तो यह वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। फिर वह लोटस से कहता है, इसका मतलब क्या है और तुम कैसे मरी हो? तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? और आपके अलावा इस स्कूल में कोई और भी है? यह सुनकर लोटस बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, यह वही है, उसने मुझे मजबूर किया, उसने मजबूर किया, मैं ये नहीं चाहता था करना। यह सुनकर फैंगनिंग कहता है, वह कौन है और क्या वह आपकी मृत्यु से संबंधित है? यह कहने के बाद फैंगनिंग अपनी यादों में चला जाता है जब उसके अंकल उसे बेल्टो से मार रहे थे और डांट रहे होते हैं। फिर फैंगनिंग गुस्से से कहता, वह कौन है जिसने छोटी सी बिचारी लड़की को मारा है? फिर फैंगनिंग लोटस को गले लगा लेता है और कहता है, अपने भाई को बताओ कि वह कौन है, उससे डरो मत, तुम्हारा भाई निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। फिर लोटस सेंट कहती है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? फैंग कहती है, हाँ मैं करूंगा। फिर लोटस जैसे बता ही रही होती कि पीछे से एक पोर्टल खुलता है और उसे अंदर ले जा रहा होता है। यह देख कर फैंग नहीं चिल्ला कहता है, लोटस सेंट। और लोटस सेंट कहते हुए कहती है, एल्डर ब्रदर मेरी मदद करो। और यह पोर्टल लोटस सेंट को पूरा अंदर ले जाती है और फैंगनिंग वहीं पर खड़ा रह जाता है और कहता है, यह क्या है? और उसी पोर्टल में से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लोटस सेंट को छूने की? यह कहने के बाद वह फैंगनिंग के ऊपर हमला करने जा रहा होता है और फैंगनिंग कहता है, इस मॉन्स्टर से लड़ना काफी ज्यादा कठिन लग रहा है। फिर जंगली बीच में आ जाती है और कहती है, तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या करने जा रहे थे? यह कहकर वह एक शील्ड बना लेती है और उस मॉन्स्टर के पंच को रोक लेती है लेकिन फैंगनिंग उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है और वह दीवार में जाकर टकरा जाता है। फिर वह दीवार से नीचे गिर जाता है। यह देखकर जंगली कहती है, हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? और इसका फायदा उठाकर जंगली के ऊपर वह हमला कर देता है और उसका पंजा बहुत जोर से जंगली को लगता है और जंगली हवा में ही उड़ जाती है और फैंगनिंग धीमे धीमे बेहोश होने लगता है और कहता है, जंगली जंगली। और जंगली फैंगनिंग के पास आ रही होती है लेकिन पीछे से मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और यह सब फैंगनिंग बेहोश होते हुए देखते जा रहा होता है। एपिसोड वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से खत्म हुआ था। फिर फैंगनिंग आगे खुलता है और जंगली उसे दिखाई देती है और चिंतित होकर जंगली कहती
कहती है, हस्बैंड क्या तुम जाग गए? और जियांगनिंग पेड़ पर बैठकर अपनी गोदी में फेंगनिंग को लिटाए हुए होती है और उसे जागते हुए देखकर जियांगनिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, हस्बैंड तुम जाग गए। और फेंगनिंग की जैसे ही आंखें खुलती है वैसे ही वह उठ जाता है जियांगनिंग की गोदी से। फिर वह नीचे गिरने लगता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है और जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला होता है कि जियांगनिंग अपनी पावर से उसे वहीं पर रोक लेती है और उसे अपने सही तरीके से लैंडिंग करवाती है अपनी जादू से। फिर फेंगनिंग मन में कहता है, हम ह्यूआन प्राइमरी स्कूल के गेट के बाहर है और हम बच निकले हैं, और ब्लैक मॉन्स्टर का क्या हुआ? वह कहां से आ गया था अचानक से? यह सोचते हुए जियांगनिंग से पूछता है, वह मॉन्स्टर जो हमें स्कूल में दिखाई दिया था वह कितना पावरफुल है, क्या तुम उसे हरा नहीं सकती हो? फिर जियांगनिंग हवा में उड़ते हुए कहती है, वहां पर सचमुच अद्भुत स्वादिष्ट चीज है खाने के लिए, और अब मेरे लिए सोल पावर पर्याप्त नहीं है खाने के लिए। यह कहने के बाद वह अपने हस्बैंड को फोन लौटाती है और कहती है, मेरे पति के आदेश अनुसार मैंने वीडियो पूरी बनाई है। यह कहने के बाद वह बहुत बड़ी उंगली निकालती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा उसके मुंह में पानी आने लगता है और कहती है, मैं डिलीशियस खाना खाने जा रहा हूँ अब। और उस उंगली को देखकर फेंगलिंग अपनी उंगली दिखाकर कहता है, यह क्या बकवास है और तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो? फिर जियांगनिंग कहती है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ये तब उठाया था जब मेरे हस्बैंड को मैं बाहर निकाल रही थी। फिर फेंगलिंग कहता है, आप इसे कैसे खा सकती हो? क्या मैं वापस जाकर इसे तुम्हारे लिए पकाऊं? फिर जियांगनिंग सर हिलाती है और कहती है, इसे पकाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही खा जाऊंगी। यह कहकर जियांगनिंग उंगली को हवा में उड़ाती है और उसकी सारी एनर्जी खाने लग जाती है और सारी एनर्जी खाने के बाद कहती है, यह बहुत ज्यादा टेस्टी था। यह कहने के बाद वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत ज्यादा सेक्सी भी लग रही थी। फिर वह अलग अलग तरीके से पोज देने लग जाती है और खुश भी होती है बहुत ज्यादा। फिर फेंगनिंग के अंदर बहुत सारी एनर्जी चली जाती है और कहता है मन में, यह कैसी सिचुएशन है, पहले मैं थकान और सोने की महसूस कर रहा था और अब अचानक से ये सब गायब हो गया और अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जियांगनिंग की आत्मा बहुत ज्यादा मजबूत बन गई है और ऐसा लगता है इस तरीके की इन ऊर्जा से भरी हुई चीज आत्मा के लिए ऊर्जा को फिर से बनने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर फेंगनिंग जियांगनिंग से पूछता है, जियांगनिंग क्या हुआ था जब मैं बेहोश हो गया था और तुमने मुझे कैसे बाहर निकाला था? और साथ ही मेरे अंदर ऊर्जा और रिएक्शन एबिलिटी लोगों से काफी अधिक है। फिर जियांगनिंग कहती है, वास्तव में यह मेरे पति है। यह कहते हुए वह रुक जाती है और वह सूरज की वजह से जलने लगती है। फिर वह फेंगनिंग की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है, हस्बैंड पहले हमें घर चलना चाहिए, फिर वहां पर बात करते हैं हम। यह कहते हुए जियांगनिंग फेंगनिंग को पकड़ती और हवा में उड़ाती हुई जल्दी से अपार्टमेंट में चली जाती है और जियांगनिंग दरवाजे पर टिक कर बैठी हुई होती है, उसमें से एनर्जी निकलने लगती है। यह देखकर जियांगनिंग की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वह जल्दी से खिड़की के पास जाता है और पर्दे बंद कर देता है और मन में कहता है, बहुत हो गया है, आत्मा अभी भी सूरज की रोशनी से डरती है। फिर वह बटन दबाकर लाइट ऑन कर देता है और लंबी सी सांस लेता है और बेड पर बैठ जाता है। फिर जियांगनिंग बहुत तेजी से आती है और फेंगनिंग को गले लगाकर कहती है, माय हस्बैंड। और फेंगनिंग भी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। फिर फेंगनिंग खड़े होकर उसे अपने आप से दूर करकर कहता है, सबसे पहले तुम यहाँ पर बैठ जाओ। फिर जियांगनिंग बहुत क्यूट सा चेहरा बना लेती है और फेंगनिंग मन में कहता है, तुम एक छोटे जानवर जैसे कैसे दिख सकती हो और तुम हमेशा चिपकती रहती हो, तुम अब बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो। यह कहकर फेंगनिंग जियांगनिंग के चेहरे पर हाथ लगाता है और उसे सहलाता है और जियांगनिंग भी उसका बहुत ज्यादा आनंद ले रही होती है। फिर फेंगनिंग कहता है, यहाँ तक के पर्दे भी रोशनी को अच्छी तरीके से रोक नहीं सकते हैं और जब सूरज डूब जाता है तो आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब सूरज आ जाता है तो आप कहाँ छिपेंगी? फिर जियांगनिंग कहती है, मैं अपने हस्बैंड की बॉडी में चली जाती हूँ फिर, और मेरे हस्बैंड ने पहले ही मेरे साथ अनुबंध कर लिया है और जब तक मेरे पति यहाँ है मैं कभी भी नहीं मरूंगी। यह सुनने के बाद फेंगनिंग को बहुत अजीब तरीके से शौक लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने अभी, और मैंने कब अपॉइंटमेंट ली और मैंने कब हस्ताक्षर किया कॉन्ट्रैक्ट पर, मैं क्यों नहीं जानता इसके बारे में? फिर जियांगनिंग कहती है, हाँ मेरे पति, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और तभी तुमने मुझे अंगूठी पहनाई थी और हमारी शादी हो गई थी, उसी समय एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और अब मैं और मेरे पति एक है और जब तक मेरे पति मेरे लिए स्वादिष्ट खाना ढूंढते हैं मैं अपनी ताकत हासिल कर सकती हूँ। यह सुनकर फेंगनिंग कहता है, एक मिनट रोको, सबसे पहले एक बॉडी होने का क्या मतलब है? फिर जियांगनिंग कहती है, अगर मैं भूखी हूँ तो मेरे पति मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना खाने के लिए ले जाएंगे और अगर मेरे पति मुझे पर्याप्त खाना नहीं देते खाने के लिए तो मेरा पति तभी मर जाएगा और यदि मेरा हस्बैंड मरा तो मैं भी मर जाऊंगी, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से अपने पति की रक्षा करूंगी। यह सुनकर बेचारी को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वह मन में कहता है, ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि मैं किस बात को लेकर थका हुआ और कमजोरी महसूस कर रहा था। फिर फेंगनिंग कहता है, तब जो शक्ति अचानक से प्रकट हुई वो केवल आपकी वजह से हुई थी। फिर जियांगनिंग कहती है, हाँ मेरे पति भी अब मेरी शक्ति को शेयर कर सकते हैं। यह कहने के बाद जियांगनिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अगर मैं भरपेट खाना खाऊं तो मेरा पति भी बहुत ज्यादा मौजूद बन सकता है। फिर फेंगनिंग कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने एक जैकपॉट मारा हो और मैंने गलती से एक कॉन्टेक्ट कर लिया हो। फिर हमें ह्यूआन प्राइमरी स्कूल दिखाई दिया जाता है और किसी ने लोटस को बहुत तेजी से दीवार पर फेंका हुआ होता है और दीवार से टकराकर लोटस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर
जमीन पर गिर जाती है और वहीं पे किसी इविल सूर का पैर दिखाई दिया जाता है। और इस इविल के चारों तरफ काफी ज्यादा डार्क एनर्जी होती है और कहता है, लोटस मैंने कहा था कि तुम्हें लोगों को मानना है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि तुमने मेरी जानकारी भी बताने की कोशिश की। यह कहकर वह लोटस का गला पकड़ता है, उसका गला दबाने लगता है। फिर वह कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए अगर हम उन्हें नहीं मानेंगे तो वे हमें मार देंगे। यह कहने के बाद वह बहुत तेजी से गला दबाने लगता है और लोटस सांस नहीं ले पा रही होती और खांसने लगती है। और फिर वह उसे गले लगा लेता है और कहता है, लोटस सेंट तुम मेरी हो, मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। यह सुनने के बाद लोटस सेंट बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। फिर वह इविल घोस्ट कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि वे वापस आएंगे और अगली बार मैं निश्चित रूप से अपने दोनों हाथों से यही उन्हें मार डालूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।